साथ हैं आम आदमी पार्टी के कृष्णनगर से जीते हुए उम्मीदवार एसके बग्गा जी। एसके बग्गा जी ने किन्हें हराया ये तो आप सब जानते होंगे। ये वो थी शख्सियत जिनका नाम था किरण बेदी, जो बीजेपी की सीएम उम्मीदवार भी मानी जाती थी। जी बग्गा जी, कैसा लग रहा है आपको एक बीजेपी की सीएम उम्मीदवार को आपने हराया? सर ऐसा है कि पब्लिक का सपना था, पब्लिक लोकल कैंडिडेट को उन्होंने जिताया। मैं वहीं का रहने वाला हूं, वहीं रहता हूं, 24 घंटे मैं उसी एरिया में रहता हूं, प्रैक्टिस वहीं करता हूं, और लोग मेरे को भली भांति जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूं। उन मुद्दों के आधार पर हमने इलेक्शन लड़ा है। पार्टी ने जो भी कहा है, 49 दिन की सरकार चली हमारी अरविंद जी की, वही जो कहा है वो काम किया है, उसकी लोगों ने तारीफ की और मेरे पे विश्वास जताया, और मैं लोगों के जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे हम लोग। जी कहा जाता है कि कृष्णनगर विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस बीजेपी के गढ़ को आपने तोड़ दिया, इसमें ये सर पब्लिक की मेरे ऊपर बड़ी मतलब कहने का कि उन्होंने मेरे ऊपर भला किया है, विश्वास किया है, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोई काम नहीं हुआ उस काम को देखकर मेरे को चुना है कि हमारी पार्टी काम जो कहती है वो करती है। ये 2500 सीट में जीता, ये 43,000 पहले वो जीते थे, 2500 उसमें और ऐड कर दीजिए। अच्छा अब आप विधायक भी बन चुके हैं और एक आप वकील भी हैं, सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सर मैं इलाके के जो काम कहे हैं, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, नारी सुरक्षा है, जो हमने वायदे किए हैं, मुद्दे लिए हैं, उन मुद्दों पर काम करूंगा और पब्लिक के बीच में जाऊंगा जैसे पहले गया हूं, वैसे पब्लिक में जाकर पूछूंगा, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम उनको दूर करूंगा। अच्छा आप एक वकील के साथ साथ आपने जैसे सीएम कैंडिडेट को बीजेपी के हराया है, तो आपको कानून मंत्रालय जो सर ये पार्टी का डिसीजन है, मैं उनका एक सिपाही हूँ। हमारी पार्टी में ये खासियत है, कोई किसी किस्म की डिमांड नहीं, ना कोई करप्शन है, ना कुछ है, सब ईमानदार से चलता है। जो जिम्मेवारी जिसको मिलती है वो बेखूबी निभाता है। उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बनाया और पब्लिक ने साथ दिया, उन्हीं के जो कार्य किए थे उसकी वजह से मैं जीता हूँ। जो पार्टी की जीत है, आम आदमी की पार्टी की जीत है, कोई वहाँ पर ये नहीं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। तो अब आपके आखिरी मुद्दे, अब जो आप जो पुराने मुद्दे रह गए थे, जो 49 दिन का जो नाम एक हमारे पे टैग लगा हुआ था कि आम आदमी पार्टी की भाग गई थी, अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, अब वो जनता के वादे आप किस तरीके से? बिल्कुल पूरे करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, फंड्स हमारे पास, पब्लिक काम करेंगे, काम तो करना, काम करने की नीयत हो और अगर आप ईमानदार हैं, सोर्स हैं, तो कोई काम नहीं रुकता, मतलब करेंगे। अगर बेईमानी होगी, करप्शन होगी, तो काम नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार एसके बग्गा जी, जिन्होंने बताया कि अब हमने जो जो वादे किए वो पूरे करेंगे और कोई भी काम जनता से जो वादा जो था वो नहीं भूला जाएगा और सारे काम वो हम करेंगे। कैमरा पर्सन सौम्य के साथ मैं अली अब्बास नकवी, समाचार वार्ता, दिल्ली।